Today I will discuss about IGNO assignment of mathematics. Code है आपका VMTC 131, solved assignment 2021-22 calculus. तो first part देखते हैं इसका. First part, first question है आपका, which of the following statement are true and which are false? Give reason for your answer in the form of short proof or a counter examples. ठीक है, तो first question का first part है आपके पास, the function f of r tends to r defined as f of x equal to x minus 7 x raised x cube plus 11 is an odd function. ये आपका क्या है, odd function है, statement है, but हमारे पास answer क्या हो गया इसका, false हो जाएगा answer. ठीक है, एक्सप्लेनेशन करते हैं. वी नो दैट द फंक्शन इज सेड टू बी अ फॉल्स. ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. इफ़, क्योंकि हमें पता है कि ओड फंक्शन जो होता है, ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ये है आपके पास ओड फंक्शन. ठीक है, देयर फोर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, जहाँ पर हमारे पास एक्स था, तो x को हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ. ठीक है, तो माइनस एक्स के साथ जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस सेवन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यू प्लस इलेवन. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस सेवन, और यहाँ पे x रेज टू पावर, अगर माइनस वन रेज टू पावर थ्री है, जैसे ओड है, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा. अगर इवन होगी पावर माइनस वन की, तो ये आ जाएगा प्लस वन. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस इलेवन. ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है हमारे पास, एफ ऑफ माइनस एक्स जो ये है इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन इज फॉल्स. ठीक है, अगर वैसे ही अगर आपके पास इवन फंक्शन होता कोई, ठीक है, इवन फंक्शन पूछा होता और वहाँ पे पूछा होता कि एफ ऑफ, तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट होनी थी वो क्या होनी थी, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं. वहाँ पे लिखा है ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ आई इन सी, सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर जेड वन इक्वल टू कॉस पाई बाई टू प्लस आई वटा साइन पाई बाई टू. ठीक है, एंड जेड टू इक्वल टू कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आई वटा साइन पाई बाई सिक्स, एंड जेड थ्री इक्वल टू कॉस फाइव पाई बाई सिक्स प्लस आई वटा साइन फाइव पाई बाई सिक्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है. अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो ये आएगा आपका लेट जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई वटा साइन थीटा. ठीक है, ये क्या है आपकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है. ठीक है, वी एनी क्यूब रूट ऑफ आई, ठीक है, वी एनी क्यूब रूट ऑफ आई, इसका मतलब क्या हुआ, जेड क्यूब. ठीक है, जेड क्यूब इक्वल टू आई के बराबर है आपके पास. ठीक है, द पोलर फॉर्म ऑफ आई इज, दिस इज द पोलर फॉर्म, एंड आई को हम कैसे लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाई टू प्लस आई वटा साइन पाई बाई टू. ठीक है, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है आपके पास, जीरो होती है, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू आपके पास वन होती है. ठीक है, तो इसका क्या आया, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो प्लस आई वन. ठीक है, तो आई को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जेड की वैल्यू है हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आई वटा आर साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे जेड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा जेड क्यूब, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई वटा साइन थीटा का क्यूब. ठीक है, इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू प्लस आई वटा साइन पाई बाई टू, जो आई की वैल्यू थी हमारे पास. ठीक है, कॉस पाई बाई टू प्लस आई वटा साइन पाई बाई टू. ठीक है, बाय डी मोइवर फॉर्मूलास. ठीक है, बाय द डी मोइवर फॉर्मूलास, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ये कॉस थीटा प्लस आई वटा साइन थीटा होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई वटा साइन एन थीटा. जो ये एन है ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपके पास थीटा के साथ. ठीक है, तो जैसे ही थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई वटा साइन एन थीटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब. ठीक है, आर क्यूब यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया आपका कॉस थ्री थीटा प्लस आई वटा साइन थ्री थीटा इक्वल टू, ठीक है, आई एज इट इज़ रहेगा तो कॉस पाई बाई टू प्लस आई वटा साइन पाई बाई टू. यह हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है,
कंपेयरिंग द मॉडली एंड द आर्गूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ वन, ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन वी गेट, ठीक है, मॉडुलस और आर्गूमेंट जैसे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आएगा आर क्यू इक्वल टू वन एंड थ्री थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस टू के पाई, ठीक है, टू के पाई, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास जीरो वन एंड टू, क्योंकि आपको क्यूब क्यूब यानी तीन रूट आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर हम ये वाली एडिशनल चीज़ है, ठीक है, एडिशनल है, ये हमने अपनी तरफ से लाया, ठीक है, अगर नहीं लाते तो यहाँ पे क्या होना था, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही रूट आना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया r इक्वल टू वन, ठीक है, और यहाँ पे थीटा जो ये थ्री है ये क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स प्लस टू अपॉन थ्री के पाई, ठीक है, एंड k इक्वल टू जीरो वन एंड टू। ऑलराइट, दिस इज अ पॉसिबल क्यूब रूट ऑफ वन आर, ठीक है, ये क्या है आपके पॉसिबल क्यूब रूट ऑफ आई है, ठीक है। देन जेड इक्वल टू कॉस, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट पाई बाई सिक्स प्लस टू अपॉन थ्री के पाई प्लस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स प्लस टू अपॉन थ्री के पाई फॉर ऑल के, ठीक है, के की वैल्यू क्या है आपके पास जीरो वन एंड टू। व्हेन के इक्वल टू जीरो, जब हम के जीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स, और व्हेन के इक्वल टू वन पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा जेड टू इक्वल टू कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में पाई बाई सिक्स प्लस टू अपॉन थ्री पाई, ठीक है, प्लस आई वटा साइन पाई बाई सिक्स प्लस टू अपॉन थ्री पाई, क्योंकि यहाँ पे के क्या है आपके पास वन है, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास कॉस फाइव पाई बाई सिक्स प्लस आई वटा साइन फाइव पाई बाई सिक्स। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप है आपका व्हेन के इक्वल टू टू पुट करेंगे तो जेड थ्री आएगा हमारे पास कॉस पाई बाई सिक्स प्लस फोर बाई थ्री पाई प्लस आई वटा साइन पाई बाई सिक्स प्लस फोर बाई थ्री पाई, ये हो जाएगा कॉस थ्री पाई बाई, इसको सॉल्व करने पे यह आएगा आपके पास थ्री पाई बाई टू प्लस आई वटा साइन थ्री पाई बाई टू, ठीक है। क्लियरली वी कैन सी दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, जैसे ही हम जो क्वेश्चन था हमारा वहाँ पे जेड वन जेड टू और जेड थ्री की वैल्यू और जो हमने फाइंड आउट की जेड वन जेड टू और जेड थ्री इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि जो हमें स्टेटमेंट दी है वो क्या है आपकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है आपका, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन एंड द जी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टेन, देन आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी वन इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है आपकी ये और ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स है, ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टेन, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया एफ और ये ऑफ जी एक्स को हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स, ठीक है, और हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पता है यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टेन है, तो इसको लिखेंगे हम एफ ऑफ थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू टू टाइम मोड ऑफ, ठीक है, और जो ये थ्री एक्स माइनस टेन है ये वैल्यू हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टेन पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टू टाइम मोड ऑफ थ्री एक्स माइनस टेन माइनस का वन, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू टू टाइम मोड ऑफ थ्री एक्स टेन माइनस का था वन भी माइनस का था तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस का इलेवन, गॉट इट, और यहाँ पे एफ ऑफ जी वन इक्वल टू टू टाइम मोड ऑफ थ्री, ठीक है, जब एक्स की जगह हमने क्या पुट किया वन पुट किया, ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि एफ ऑफ जी वन इक्वल टू ट्वेल्व पुट ट्वेल्व के बराबर आना चाहिए, ठीक है, तो एफ ऑफ जी वन वन पुट किया तो यहाँ पे थ्री इंटू वन माइनस का इलेवन तो ये हो गया टू एंड मोड ऑफ माइनस एट इक्वल टू टू टाइम एट, ठीक है, तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम एट के साथ तो हमारे पास आया आंसर सिक्सटीन, बट हमें गिवन दिया गया है ट्वेल्व तो सिक्सटीन इज नॉट इक्वल टू ट्वेल्व, दस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपका, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडरूट ऑफ थ्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज आर एक्सेप्टेड टू,
ठीक है, क्या है इसकी जो डोमेन होगी वो आर एंड एक्सेप्टेड टू होगी, तो ये क्या है आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अब हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो हमें गिवन दिया गया है अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, देयर फोर 3 माइनस एक्स, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स इम्प्लाइज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड माइनस साइन के साथ, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 3 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, दैट्स इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। वैसे ही एंड x माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, दैट्स इम्प्लाइज जो x है वो ग्रेटर देन है आपका 2 से, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 2 होगी बट लेस देन इक्वल टू 3 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो x है वो बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल 2 3 एंड देन क्लोज इंटरवल, ठीक है। हेंस द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट 2, ठीक है, एंड 3 देन क्लोज ब्रैकेट, दस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है आपका, ये दिया हुआ है आपको ब्रैकेट अंडर रूट 2, 1, 1/2, ये बिलोंग करता है आपका Q, Z एंड R, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए Q क्या है, आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपके PYQ की फॉर्म में होता है, Z है आपका इंटीजर है, इंटीजर आपका माइनस इन्फिनिटी 0 एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर होते हैं वो आपका इंटीजर होता है, ठीक है। और R जो है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर इंक्लूडेड ऑल द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है क्योंकि रैशनल नंबर आपका PYQ की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू इज नॉट बिलोंगिंग ऑन Q, जो अंडर रूट 2 है वो Q को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। 1 आपका इंटीजर है, ठीक है, 1/2 आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दैट्स इम्प्लाइज, तो ये होगा आपका ब्रैकेट अंडर रूट 2 1 एंड 1/2 इज नॉट बिलोंगिंग टू Q, Z एंड R, ठीक है, अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से करवाएंगे। आप अच्छी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।